गर्मी के मौसम में फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई जगहों पर समय समय पर छापेमारी की जाती है, जिसके तहत आज वडोदरा शहर में भी फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई जगह से आइसक्रीम के सैंपल लिए गए। गर्मी से राहत देने का आइसक्रीम एक आसान जरिया माना जाता है, लेकिन इन दिनों ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होने के भी कई किस्से सामने आ रहे हैं। कई ऐसे केमिकल का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे ध्यान में रखकर गर्मी के मौसम में फूड सेफ्टी विभाग हर जगह पर चेकिंग करती है। आज फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने शहर के मुक्तानंद सर्कल पर स्थित जनता आइसक्रीम में छापा मारा था और सभी आइसक्रीम के सैंपल लिए थे। सभी सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया है। साथ ही दुकानों में रखी जा रही साफ सफाई एवं इस्तेमाल करने वाले पानी की भी जांच की जाती है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર અને અધિક આરોગ્ય અમલદાર સાહેબની સૂચના અનુસાર ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન કેરીના રસ, તકે ડ્રિંકિંગ વોટર, આઈસ્ક્રીમ વગેરેના નમૂના લેવાના કાર્યવાહી કરવાની છે. તો આજે મેં અહીંયા મુક્તાનંદ સર્કલ પાસે આવેલ શ્રી જનતા આઈસ્ક્રીમ એન્ડ જ્યુસ સેન્ટર ખાતે આઈસ્ક્રીમના નમૂના લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. કયા પ્રકારના સેમ્પલ લેવામાં અહીંયાથી આઈસ્ક્રીમના નમૂના લેવામાં આવશે?